उधमपुर में बीएसएफ द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन, उपराज्यपाल ने किया दीक्षांत समारोह परेड का निरीक्षण। समारोह में 636 नव आरक्षियों ने ली देश सेवा से ली शपथ। आजाद के सम्मान में जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन, पद्म भूषण सम्मान मिलने पर आयोजित किया कार्यक्रम। सिविल सोसाइटी ने गुलाम नबी आजाद को किया सम्मान। पैंथर्स पार्टी ने परिसीमन आयोग पर साधा निशाना, जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय करने का लगाया आरोप। परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट को डिक्सन प्लान दिया करार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उधमपुर में स्थित सीमा सुरक्षा बल की सहायक प्रशिक्षण केंद्र में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसी दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दीक्षांत समारोह की परेड का निरीक्षण किया और इस दीक्षांत समारोह के दौरान 636 नए आरक्षियों ने देश सेवा की शपथ ली। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में नव आरक्षियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने बीएसएफ के कार्य की जमकर सराहना भी की और दीक्षांत समारोह में देशभक्ति से प्रेरित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ पुलिस व प्रशासन के भी कई आला अधिकारी मौजूद रहे। उपस्थित नव आरक्षियों के अभिभावक, बीएसएफ के बहादुर जवानों, मीडिया के मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, आज के दीक्षांत परेड की सलामी लेते हुए मुझे प्रसन्नता के साथ साथ गर्व की भी अनुभूति हो रही है। मैं सभी युवा नव आरक्षियों को उनके बुनियादी ट्रेनिंग के सफल समापन पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर देश की प्रथम रक्षा पंक्ति की भूमिका में भारत माता की सेवा, सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता तथा देश को सुरक्षित रखने में दिन रात जुटे बहादुर जवानों, अफसरों, रिटायर्ड सूरवीरों और वीर नारियों को भी मैं नमन करता हूं। मुझे बताया गया है कि गुजरात और महाराष्ट्र से 636 नव आरक्षियों ने 9 महीने की ट्रेनिंग यहां ली है और इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है और अब कार्यक्षमता, निष्ठा और उत्सर्ग की भावना के साथ सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं। जिन नव आरक्षियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेडल्स से सम्मानित किया गया है, उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आज इस ग्राउंड से संपूर्ण देशवासियों को एक पैगाम दिया गया है कि मां भारती की आन बान और शान के लिए ये बहादुर जवान किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और तैयार है। समूचा देश इस बात का साक्षी है कि पहाड़ हो, मैदान हो, रेगिस्तान हो, घने जंगल हो, हमारे बीएसएफ के जवान हर परिस्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा और मानव सेवा के संकल्प के साथ जुटे हुए हैं और हमारी संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ हर खतरे का मुकाबला पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। एक्सपोजर काफी ज्यादा है तो बचपन से मुझे हमेशा से मोटिवेशन मिला कि मैं किसी बेल्ट फोर्स को ज्वाइन करूँ और फिर समझ भी ऐसा। तो किस तरह से खुश हैं जो आपने यहाँ पर? जी, हमें प्रशिक्षण मिला है हमारे सभी इंस्ट्रक्टर्स की, हमारे फैमिली मेम्बर्स की और बहुत लोगों की हमारे पीछे मेहनत की है और आज 11 महीनों की ट्रेनिंग के बाद हम पास आउट हुए हैं। फाइनली खुशी महसूस हो रही है कि हम इस फोर्स के मेंबर बनने जा रहे हैं। एक नई लाइफ है हमारे आगे, नई चुनौतियाँ होंगी,
जिनका सामना करने के लिए हमको प्रशिक्षण मिला है। बीएसएफ में आने का मकसद यही था कि सर जो हमारी यूथ फोर्स है, यूथ फोर्स अगर देश के काम ना आए सर तो क्या मकसद, मतलब यूथ फोर्स में सर ज्यादा से ज्यादा बढ़कर फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। सिविल सोसाइटी जम्मू और बार एसोसिएशन जम्मू द्वारा जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्मभूषण सम्मान मिलने पर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिविल सोसाइटी जम्मू और बार एसोसिएशन जम्मू द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को सम्मानित किया गया और इस अवसर पर बार एसोसिएशन जम्मू के अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जिसनी को प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है आज के वक्त में, यूनिटी को प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है आज के वक्त। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने परिसीमन आयोग पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पीके गंजू ने परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट को डिक्सन प्लान करार दिया और उन्होंने कहा कि 50 के दौर में अंग्रेज और अमेरिका डिक्सन प्लान के तहत जम्मू कश्मीर के 5 टुकड़े करने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस मंसूबे को विफल किया। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के टुकड़े करने की योजना बन रही है और उन्होंने प्रधानमंत्री से इस योजना को विफल करने की मांग की। जो ये डीलिमिटेशन कमीशन, तो डीलिमिटेशन कमीशन के विषय में भीम सिंह जी का ये स्टेटमेंट है कि जो ये डीलिमिटेशन कमीशन है, इन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख रियासत के साथ कोई इंसाफ नहीं किया है और ये बिल्कुल उसी तर्ज पर है, उसी नक्शे पर है जो 1947 से पहले अंग्रेजों और अमेरिकन लॉबीज के कहने से यहाँ एक डिक्सन प्लान शुरू हुआ था, जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर के 5 हिस्से होने थे। पर भीम सिंह जी का कहना है कि उस सारी प्रतिक्रिया को जो अंग्रेजों ने बनाई थी, अमेरिका ने बनाई थी, उसको खत्म करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे, उनको डिसमिस किया और जेल के पीछे धकेल दिया। और आज ये भीम सिंह जी का कहना है कि आज वही सिचुएशन हो गई है, तो मोदी जी को चाहिए कि वो इस चीज़ को, इस डायरेक्शन को, इस ट्रेंड को ख़त्म करें और रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख को हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का ये अटूट अंग रहने दें और यहाँ जो डिविसिव फोर्सेस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने जम्मू में द कश्मीर फाइल्स के समर्थन में जुलूस निकाला। इसी दौरान कश्मीरी पंडित ने फिल्म के निर्माता निर्देशक का आभार जताते हुए कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जुल्म का कुछ ही प्रतिशत दिखाया गया। इससे अधिक जुल्म आतंकवाद के दौरान उनके साथ हुआ है, लेकिन फिर भी इस फिल्म के माध्यम से आज दुनिया को कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का पता चल रहा है। जितना भी हमारे साथ हुआ है अभी इस फिल्म में वो पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके वेग जी के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाई है। आज पूरे वर्ल्ड को पता चल रहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है, इनके साथ कितना अन्याय हुआ है और उसके पीछे किनका हाथ है, वो भी अब पूरे वर्ल्ड को पता चल रहा है। कोई पॉलिटिकल लीडर क्या बोल रहा है, हमें उसके साथ कोई गरज नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये बातें कह रहे हैं कि ये खुद निकले हैं। कौन खुद निकला है? या बोलते हैं वहां मुस्लिम नहीं मारे, हम मानते हैं वहां मारे गए, लेकिन वो कैसे मारे, किन्होंने मारे? क्या कश्मीरी पंडित ने किसी को वहां मारा? मारा उन्होंने हमें, किसी मुस्लिम लेडी मिले
हम वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बाइज्जत से, और जिन लोगों ने हमारे साथ ये किया है, जिन्होंने हमारे पास जुल्म किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल के सुराखों में भेजा। जॉब पॉलिसी और वेतन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। पर प्रदर्शन कर रहे वोकेशनल ट्रेनर्स ने आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों से वो ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन सरकार ने न तो उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी बनाई है, न ही उनके वेतन में बढ़ोतरी की। उन्होंने बताया कि देश अन्य राज्यों में वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए जॉब पॉलिसी बनाई गई और उनके वेतन में बढ़ोतरी भी की गई है। का जो मीट है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी एलजी साहब से यही डिमांड्स हैं, जो लास्ट टाइम हम बोल रहे थे कि हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए और हमारी सैलरी हाई की जाए। जैसे कि हम लास्ट 6+ ईयर्स से काम कर रहे हैं और जी जान से मेहनत कर रहे हैं, हम सारे प्रोफेशनल्स हैं, क्वालिफाइड यूथ्स हैं। और जहां तक बात आती है, हम अगर डिमांड कर रहे हैं जॉब पॉलिसी की, तो अगर हमें ये बोला जाता है कि हमारे लिए प्रोविजन्स नहीं है, तो वी हैव द प्रूफ। हमारे पास हरियाणा गवर्नमेंट का प्रूफ है कि अगर वहां पर जॉब पॉलिसी फ्रेम हो सकती है, अगर वहां पर प्रोविजन है, तो हमारे लिए क्यों नहीं ये प्रोविजन किया जा सकता है। प्लस हमारे पास असम गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जहां पर जो भी हमारे वोकेशनल ट्रेनर, हमारे भाई बहन जो भी अपॉइंट हुए थे, उनको एक टाइप का सैलरी इंक्रीमेंट दिया गया है, सैलरी हाइक दिया गया है, प्लस उनके लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी फ्रेम करने की डिमांड की, मतलब इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे आप अब हमारा एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, एकेडमिक सेशन, तो अभी पिछले जितने भी देर से हमने जो जो चीजें सफर की है, हम ये चाहते हैं कि इस नए एकेडमिक सेशन में हम सब मिलके एक नई शुरुआत करें, ताकि इस कोरोना की वजह से जो हमारे बच्चों का लॉस हुआ है, पढ़ाई का जो लॉस हुआ है, वो आगे लॉस ना हो। ऑल जम्मू कश्मीर पीएचई आईटीआई ट्रेड्स सीपी वर्कर्स एंड लैंड ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से दिल्ली में भेंट की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। इसकी जानकारी ऑल जम्मू कश्मीर पीएचई आईटीआई ट्रेड्स सीपी वर्कर्स एंड लैंड ओनर एसोसिएशन और भाजपा संस्कृति सेल द्वारा जम्मू में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। एसोसिएशन के प्रधान दीपक गुप्ता और भाजपा संस्कृति सेल के संयोजक सुनील शर्मा ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो उनके मसले को लेकर उपराज्यपाल से चर्चा करेंगे और जल्द उसे हल करने का प्रयास करेंगे। जो आपका जो मिनिमम वेज एक्ट का रेगुलराइजेशन पॉलिसी थी, इसके लिए मैं 10 अप्रैल तक आपको कुछ ना कुछ जो आपको बताऊंगा। हम फिर से दिल्ली जाएंगे 15 दिन के बाद, उसके बाद फिर हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि क्या 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 नहीं। यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति विभाग के श्री गजेंद्र सिंह जो है उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने अपना कीमती समय देते हुए इन सब की मांगों को वहां पे सुना और उन्होंने पूरा आश्वासन देते हुए कहा कि वो श्रम शक्ति विभाग तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे पे बात करते हुए और नियमित समय में ही इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है एक अच्छी सी इनके जो फेवर की बात है वो इन तक पहुंचाएंगे, तो हम लोग उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय देते हुए। जम्मू कश्मीर में शिक्षा का बुनियादी ढांचा अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही शिक्षा विभाग इसकी ओर कोई ध्यान दे रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सरकार के खस्ता हाल इन स्कूल को लेकर लोग बार बार आवाज उठाते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं होती। इन्हीं लोगों में जिला उधमपुर के रैम्बल के लोग पिछले कई वर्षों से स्कूल की इमारत के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पेश है ऐसी एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं आधुनिक भारत के स्कूल की। इस तरह के बुनियादी शिक्षा के ढांचे के साथ सरकार डिजिटल इंडिया के सपने देख रही है। ये तस्वीरें हैं जिला उधमपुर की पंचायत लद्दा के प्राइमरी स्कूल अपर रैम्बल की, जहां पर इस आधुनिक दौर में भी बच्चे खुले आसमान के नीचे शिक्षा हासिल करने को मजबूर हैं। ऐसा है कि आप देख रहे हैं जहाँ पे कैसे कैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और कब से ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है वो स्कूल दिखाई दे रहा है,
तो उसमें बैठने की जगह तक नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो पत्थर है नीचे, कंकरा सामने दिखाई देता है और बिल्डिंग क्रैक भी हुई है, उसको ऐसे जो चार होते हैं वो चले गए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सरकार ने यहाँ पर स्कूल की नई इमारत का निर्माण करवाया था, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के कारण स्कूल की दीवारों में कुछ दिनों के भीतर ही दरारें पड़ गईं और सरकार ने इस इमारत को अनसेफ घोषित कर दिया। प्रॉब्लम सर ये बहुत देर की, कोई 12 साल की प्रॉब्लम है ये सर। तो ये बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग बनने के बाद तकरीबन 2 महीने भी बच्चे नहीं पढ़े, 2 महीने भी बच्चे नहीं पढ़े, तो डैमेज हो गई ये बिल्डिंग, उसके बाद बच्चे यही बाहर ही बैठते रहे। शिक्षा विभाग ने इमारत के अनसेफ होने के बाद इस स्कूल को मिडिल स्कूल में मर्ज कर दिया, जो इस गांव से दूर था। स्थानीय सरपंच के प्रयासों के बाद ये स्कूल तो वापस आया, लेकिन बच्चों को अभी तक इमारत नसीब नहीं हुई। जहां बिल्डिंग जब बनी थी 7-8 साल पहले ये बिल्डिंग बनी थी, उसके बाद ये इसका काम पूरा नहीं हो पाया, अमाउंट कम था, वो तब की वैसी है। और बच्चों को जब एप्लीकेशन आगे दी तो उन्होंने इसको अनसेफ करके बच्चों शिफ्ट कर दिया स्कूल ऊपर, मिडिल स्कूल कलोन में, जो कि यहाँ से ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जाने के लिए बड़ी परेशानी थी। दोबारा मैंने इसकी अप्रोच की अपने एडमिनिस्ट्रेशन से की, एजुकेशन सीईओ से की, जेडीओ से, बड़ी मुश्किल से। वो भी स्कूल की इमारत न होने से बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। जब बारिश का मौसम होता है तो स्कूल प्रशासन या तो छुट्टी कर देते हैं या फिर किसी अन्य ग्रामीण के घर में बच्चों को पढ़ाते हैं। और बारिश के दिनों में जब बारिश होती है, अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ किसी के घर में बैठाते हैं जहाँ बाहर बैठते हैं, बारिश होगी जहाँ तो छुट्टी देनी पड़ती है। और जैसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बारिश ज्यादा आती है, तो बच्चे को नहीं भेजते हैं, फिर हम क्या करेंगे? देखो साथ में नाला भी है, तो बारिश पड़ जाएगी, बारिश पड़ने के बावजूद हमें यहाँ तक इंतजाम कोई नहीं है, तो स्कूल में कैसे बैठने के? स्कूल में बैठने की तो जगह भी नहीं है। जो ज्यादा बारिश आ जाएगी तो जो बेचारे हमारे टीचर जी हैं, जो लोगों के घर हैं आस पास में, लोगों के घर ले जाते हैं, तो वहाँ बार पटाते हैं जाएगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल की इमारत तक उपलब्ध नहीं करवा सकती। सरकार की इस स्कूल की इमारत को लेके बैठकें तो की जाती हैं, लेकिन स्कूल की इमारत का निर्माण नहीं होता। और जो गवर्नमेंट का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये आपके सामने है, बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, कैसे ये बच्चियां पढ़ेंगी? इनका भविष्य आप तो देख ही रहे हो, 5-7 साल से मीटिंगें, हर मीटिंग चलती है, हर मीटिंग में किस चीज की मीटिंग होती है? एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी मीटिंगें होती हैं, सीईओ वहां पे जाते हैं, जेडीओ जाते हैं, बाकी आज दिन तक क्या उनको ये पता नहीं है? अब चिट्ठी निकली है, अनसेफ बिल्डिंग भी है, इसका काम पड़ा हुआ है, हम कोई फंड्स करवाएं और इसका काम पूरा हो, सभी को पता है, ऐसा कुछ नहीं, किसी को पता नहीं है, कितनी बार बताना है? तो क्या सब कुछ अनदेखा किया जा रहा है? अनदेखा किया जा रहा है, अफसरशाही है, अभी ब्यूरोक्रेसी है, कौन किसको बताएगा? सरकार होती तो चलो पता, किसी के बोल के करवाते हम, ये अभी अफसरशाही है, जो आएगा मन में करेंगे। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे बेटियां पढ़ रही हैं और कैसे कैसे बच रही हैं और कैसे बैठे हैं और क्या प्रोविजन है और क्या क्या है। शिक्षा के इस तरह खस्ता हालत बुनियादी ढांचे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर जम्मू कश्मीर में इस तरह से शिक्षा का बुनियादी ढांचा रहा तो फिर कैसे पढ़ेगा इंडिया और आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया? उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू में भी नशे का अजगर लगातार अपने पांव पसार रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार और कई गैर सरकारी संगठन जुड़े हुए हैं, और जो लोग नशे की चपेट में आ चुके हैं उन्हें इस लत से बाहर निकालने के लिए जम्मू के साइकियाट्री अस्पताल के डॉक्टर दिन रात लगे हैं। जम्मू में बढ़ रहे नशे को देखते हुए अस्पताल के साइकियाट्री डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मनु अरोड़ा ने लोगों से समाज में फैल रहे नशे को रोकने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि अगर सबने मिलकर प्रयास नहीं किए तो नशा समाज को पूरी तरह से खोखला कर देगा।
और इसी तरीके से ये ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ता जा रहा है, तो हम सब लोग का एफर्ट इस तरीके से होना चाहिए, एज अ डॉक्टर मेरा, एज अ सिविल सोसाइटी आप लोग का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि इस नशे में स्टार्ट ना करें, इसका सेवन शुरू ना करें, क्योंकि सेवन एक बार शुरू हो जाने के बाद और बहुत कॉन्स्टेंटली बहुत देर तक यूज़ करने के बाद इसको छोड़ना मुश्किल रहता है, इतना आसान नहीं रहता। इसके लिए बहुत ड्रग्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एट इट्स फर्स्ट प्लेस इसको रोका जा सके। देखिए, अगर आप देखें ड्रग्स का सेवन हमारे यंग एडल्ट्स शुरू करते हैं, ये एडल्ट्स हमारा फ्यूचर भी है, हमारी एनर्जी भी है, किसी भी को काम करने के लिए यही यंग जनरेशन है, हमारे सोसाइटी को आगे लेके जाते हैं। जब भी कोई सोसाइटी जिसके अंदर ड्रग्स का सेवन बहुत बढ़ जाता है, वो सिर्फ उसका ही लॉस नहीं है, सोसाइटी का नेशनल लॉस है, इकोनॉमी का लॉस है, एक सोसाइटी का लॉस है, और वो हम सब का लॉस आगे जाके बनता है। तो किसी न किसी तरीके से इसको शुरुआत होने से या इसका डिमांड को इतना कम किया जाए ताकि नशा हमारी सोसाइटी से बाहर जा सके। सबसे पहले तो है कि अगर आपने कभी नशा नहीं शुरू किया तो कभी मत इसको शुरू कीजिए, अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं, अपने दोस्तों के कहने पे नहीं, इसको चखने के लिए नहीं, तो इसको कभी ना शुरू किया जाए। और जो लोग इसको शुरू कर सके हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल अपने आप को ट्रीटमेंट में लाएं ताकि इससे बाहर आ सकें और अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को आने वाले इसके प्रॉब्लम से बचाया जा सके। हिंदू ग्रंथों में गंगा के बाद चंद्रभागा नदी दूसरी सबसे पवित्र नदी मानी गई। इस नदी से हिंदू समुदाय के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और कई लोग यहां पर अस्थि विसर्जन भी करते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में इस पवित्र नदी में अखनूर कस्बे के तमाम नालियों की गंदगी भरा पानी डाला जा रहा है। शहर का गंदा पानी चंद्रभागा में डाले जाने से इस नदी की पवित्रता दूषित हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। नाराज स्थानीय लोगों ने अब प्रशासन चंद्रभागा की पवित्रता को बरकरार रखने की मांग की है। स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं ने चंद्रभागा से जोड़े गए शहर के तमाम गंदे नालों को बंद करने की मांग की, और लोगों के मुताबिक गंदा पानी नदी में डाले जाने से जहां चंद्रभागा प्रदूषित हो रही है, वहीं लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। कह रहे हैं सरकार अगे अपील करते हैं कि ये महाराज जिहड़ा ये गंदे नाले हैं इन्हां नूं किसी होर पासे एडजस्ट किया जाए, ना कि जिहड़ा पानी है किसी, क्योंकि इत्थे आम जनता जिहड़े पब्लिक जिहड़ी तकरीबन जिन्ने भी इलाका है साडा जी जम्मू दा जिहड़ा स्टेट दा, तो ये सारा जिहड़ा जम्मू जिहड़ा साडा सारे लोग आरसपुरा तहसील बिशना जितनी स्टेट तहसील हैं सारे लोग इतने फुल फुलवा करा हैं। ये गंदा पानी जिहड़ा ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसनों कट करके किसी होर पासे सुटिया जाए, तो साड़ी यही अपील है। देखो इतने त्रै गंदे नाले पोए ने, ये गंगा है, इतने लोग फुल परवाह आते सब कुछ करते, तो गंद पाना कोई जरूरी नहीं है, दिखना चाहिए। इत्थे शहर का पानी पूरा गंदा गै होई गेदा, हुण अस ते इ'यां पीने इत्थे पानी, आ केसी जलाने इत्थे पानी पीने, आ सब कुछ करने होने, पिछू पता नहीं किन्ने नाले आवा दे, उन्हां नूं उस गल्ला दा कोई पता नहीं है, ते बाकी ये त्रै नाले ते पूरा गंद पाए देन, इत्थे सब कुछ आवा दा, इत्थे नहीं आना चाहिए। अस इक अपील करना चाहते भला ये चीज़ नाले बंद होने चाहिए, बस ये चीज़ चाहते हैं, ये चंगी गल नहीं है। इत्थे हाँ इतों पानी पीने, हाँ पीने इतों का पानी है, दरिया महाराज बिल्कुल दुई गंगा है, एक पहली हरिद्वार है, दुई गंगा है, लेकिन जो त्रै नाले पौधे ना पानी बिल्कुल गंदा करते हैं, इतों को लिए महाराज परगवाल सड़क मतलब सजवा तक लोग पानी पीते हैं, कोई लिया कोई बिच किस करा, लेकिन पानी बिल्कुल गंदा है, पीने लायक नहीं है। अखनूर शहर के तीन नाले जेडे बिल्कुल गंदा करा, गंगा ही गंदा करा, बिल्कुल गंदा करा देना, मतलब इसे नाले जो बंद होने चाहिए, दरिया पानी पीने जी सू बन रहे इतना दरिया काम करना महाराज, तो बन रहे पानी पी, अज तक पानी इतना पी रहा है, जल्द हम नाले दिखने तो मन नहीं करता पानी पीने का, नाले अस तो चलो अ पता है, लेकिन जिसे नहीं पता वो आनी पानी पीते हैं, वो जल्द दिखते हैं भैन पानी पीने मन नहीं करता, कोई दरिया वापस आ, कोई नलके हैं, कोई नहीं है।
कृष्णा के गांव सुल्तानपुरा में देहाती ब्राह्मण सभा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में जहां सभा की नई कमेटी का गठन करते हुए ओम प्रकाश को सभा का नया प्रधान चुना गया, वहीं 3 मई को होने वाली परशुराम जयंती की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। कमेटी फ्रेम करना चाहते हैं क्योंकि एक महीना पहले हम रिजाइन दे रहे हैं, इसलिए कि 3 मई को हमारी परशुराम जयंती है। उससे पहले एक महीना रिजाइन देने का मकसद यही है कि नई कमेटी जो हम फ्रेम करने जा रहे हैं वो कमेटी जो है उसको एक महीने का अरसा मिले और हमारी परशुराम जयंती भगवान जी का अच्छा दिन मनाया जाए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।